इस वेबिनार का उद्देश्य जो है, इस पेंडेमिक कंडीशन में जिस समय स्कूल कॉलेज और जितने शिक्षण संस्थाएं हैं वो विधिवत रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक कंडीशन में कोरोना ज़्यादा स्प्रेड आउट ना हो, इसकी वजह से राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने एक इनिशिएट लिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, क्यों ना उसको डिस्कस किया जाए, जो रियल में हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, खास करके डिसेबल बच्चों को दे रहे हैं, तो क्यों ना उनसे जुड़ा जाए, क्यों ना अलग अलग इश्यूज पे उनसे चर्चा की जाए, क्यों ना अपने व्यूज उनसे शेयर किए जाए और उनके व्यूज को भी सुना जाए। तो एक ये माध्यम है, वेबिनार एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक कंडीशन में हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अपनी संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम घर बैठे बैठे ही अपने व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं और घर बैठे बैठे शिक्षण प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो वेबिनार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में, इसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये वेबिनार जो है वो RPWD एक्ट के संबंध में आयोजित किया जा रहा है। इसका ओरिएंटेशन हम लोग आज देखेंगे कि किस प्रकार से RPWD एक्ट में किस किस प्रकार के प्रोविजंस जो हैं वो किए गए हैं और क्या क्या अधिकार जो है दिव्यांगों को दिए गए हैं। जो देश भर के एक्सपर्ट्स हैं, सबसे पहले एक्सपर्ट हमारे साथ में आज जुड़ेंगी आलोका गुहा मैडम, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये फाउंडर मेंबर रही हुई हैं नेशनल ट्रस्ट की। इसके अलावा WHO के जितने प्रोग्राम हैं, यूनिसेफ के ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के ढेर सारे एजेंसीज के साथ ये लगातार जुड़ी हुई हैं। और जब हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की, तो स्पेशल एजुकेशन में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। जितने भी स्पेशल एजुकेशन के संबंध में जब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो आलोका गुहा मैडम का सानिध्य हमको सबको प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। ये अपने आप में इनसाइक्लोपीडिया है स्पेशल एजुकेशन की। जहाँ तक हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट करने की और खासकर मल्टीपल डिसेबिलिटी को प्रमोट करने की, तो आलोका गुहा मैडम का नाम हमेशा सामने आता है। तो आज वो हमसे जुड़ने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस वो हमसे शेयर करेंगी, उनको हम सुनेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हिमांशु दास जो हमारे निदेशक महोदय हैं, और निदेशक महोदय का ये विचार था कि क्यों ना इस पेंडेमिक कंडीशन में हम वेबिनार के माध्यम से पूरे देश भर के साथ जुड़े। तो उसी प्रयास में आज का जो वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सर की आइडिया बड़ी जबरदस्त थी, उन्होंने बताया था कि अलग अलग एरियाज में हम लोग काम क्यों ना करें। तो जिसमें मुझे जो एरिया दिया गया था वो समग्र शिक्षा अभियान का एरिया दिया गया, जिसमें पूरे देश भर के समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े हुए जो टीचर्स हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, रेगुलर टीचर्स हैं, इसके अलावा हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, क्यों ना उनके साथ जुड़ा जाए, उनके साथ चर्चा की जाए डिसेबिलिटी के रिलेटेड ढेर सारे इश्यूज को। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज की शुरुआत कर रहे हैं, इस देवभूमि उत्तराखंड से आज के वेबिनार की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास जी का हमारे आशीर्वचन देने के लिए। डॉक्टर हिमांशु दास सर। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सुनील सर को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। उन्होंने ये मुहिम जो हमने चलाने की ठानी है कि समग्र शिक्षा अभियान में पूरे देश भर में जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, चाहे वो रेगुलर टीचर हो, चाहे हमारा स्पेशल टीचर्स हो, थेरेपिस्ट हो, उनके अभिभावक हो, उनके बच्चे हो, पीयर ग्रुप हो, सबके लिए हम लोग बारी बारी जो है कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम हम साल भर चलाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। और इस प्रयास में सुनील साहब ने जो अगुवाई दिखाई है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, और उनके साथ जुड़े हुए और जितने भी हमारे फैकल्टीज और स्टाफ हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरा, जो हमारी उत्तराखंड के कमिश्नर साहब, डिसेबिलिटी कमिश्नर साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, शायद जुड़ गए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करूंगा इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। समग्र शिक्षा अभियान के जितने भी अधिकारी हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लोग हमारी इस मुहिम में साथ दें। रही बात जरूरत की, आज का जो टॉपिक है RPWD एक्ट, ये बहुत ही अहम है।
कि हमारे देश में एक्ट तो बहुत होती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता है, उसके पीछे कारण जो हमेशा हम लोग जब रिसर्च करते हैं, रिव्यू करते हैं, जो हमें मिलता है कि जो एक्ट वगैरह की जो नॉलेज होती है, पॉलिसी की जो नॉलेज होती है, प्रोग्राम स्कीम्स की जो नॉलेज होती है, वो हमेशा ऊपर लेवल में रह जाती है। तो हम लोग चाह रहे थे कि ये जो नॉलेज है, ये स्किल जो है, ये जो है ग्रासरूट लेवल तक जाए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, बड़े से बड़े अधिकारी से लेके एकदम ग्रासरूट लेवल में जो हमारे शिक्षकगण हैं, स्पेशल या रेगुलर टीचर जो भी हैं, अभिभावक है, सबको एक पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम्स के बारे में पता लगे, एक्ट के बारे में पता लगे, तभी शायद कोई भी एक्ट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, आज भी बहुत बढ़िया रिसोर्स पर्सन हमारे साथ आए हुए हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और आने वाले दिनों में चाहूंगा मैं कि आप लोगों के साथ मिलके, समग्र शिक्षा के साथ मिलके और डिसेबिलिटी कमिश्नर सर के साथ मिलके, हम लोग उनकी जरूरतमंद के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उनके ट्रेनिंग नीड्स हैं, वो सारे ट्रेनिंग नीड्स और सारे टॉपिक्स को बेस करके हम ऑल इंडिया में एक मुहिम चला सके, खासतौर पर उत्तराखंड में एक मुहिम चला सके, जहाँ हमारा कोई भी रेगुलर टीचर, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी हेडमास्टर या कोई भी हमारे स्पेशल टीचर ये ना कहे कि हमें कुछ पर्टिकुलर नॉलेज की कमी है, स्किल्स की कमी है। तो नॉलेज और स्किल की कमी जो है वो हम लोग सब लोग मिलके आसानी से दूर कर सकते हैं। तो सिस्टमिक कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी है, उसको दूर करने में भले ही कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब नॉलेज और स्किल की बारी आती है, वो हम सबकी हाथ में है, वो हम जितना जल्दी चाहे उसको दूर कर सकते हैं। तो इसी आकांक्षा के साथ मैं आप सबको दोबारा पुनः वेलकम करता हूँ, पुनः अभिनंदन करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ ये मुहिम आप लोग बहुत ही उत्साह से लेंगे और आने वाले दिनों में उत्तराखंड के जितने भी हमारे समग्र शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकगण हैं, वो देश के जो है मॉडल इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर के रूप में उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पुनः मैं वेलकम करता हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया हमें कि जहाँ तक हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की और जहाँ तक हम बात करते हैं दिव्यांगजनों की, तो RPWD एक्ट का अपने आप में विशेष महत्व है। ऐसा नहीं है कि क्या खाली स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स को ही RPWD एक्ट के बारे में पता हो। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो ऑटोमेटिकली इसमें रेगुलर टीचर्स की हम बात करें, चाहे प्रिंसिपल की बात करें, चाहे हेडमास्टर की बात करें, या पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात क्यों ना करें हम लोग, तो सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो जहां तक बात करते हैं RPWD एक्ट की, इसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है उसको होनी ही चाहिए। तो ये प्रयास है आज का कि इस माध्यम से हम लोग RPWD एक्ट के बारे में थोड़ा सा ओरिएंटेशन करें, थोड़ी सी जानकारी लें। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अलोका गुहा मैडम जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम जहां तक बात करते हैं अलोका गुहा मैडम की, अपने आप में नाम काफी है इनका। जहां तक बात करते हैं नेशनल ट्रस्ट की फाउंडर मेंबर रही हुई हैं, इसके अलावा जब बात करते हैं RPWD एक्ट की, नेशनल ट्रस्ट एक्ट की, या आज तक जितने भी एक्ट बने हैं डिसेबिलिटी के सेक्टर में या ह्यूमन राइट्स के सेक्टर में, अलोका गुहा मैडम का योगदान हमेशा से रहा है। जहां तक बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी मैम जो है लगातार जुड़ी हुई है। जब भी कोई सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं या इस प्रकार के कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो अलोका गुहा मैडम का आशीर्वाद हमें लगातार प्राप्त होता है। आज एक अच्छा मौका है हमें सबको सुनने का अलोका गुहा मैडम को, क्योंकि ये बेसिकली कंट्रीब्यूटर रही हुई है। जब RPWD एक्ट बन रहा था तो इनका रोल जो था वो काफी अहम था। इनका रोल क्योंकि मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैम ने जब ये रिव्यू हो रहा था भारत में RPWD एक्ट, तो अलग अलग जो कमिटीज बनी थी, तो उस कमिटीज के मेंबर भी मैडम रही हुई हैं, और काफी बारीकी से इन्होंने इस एक्ट को एनालिसिस किया हुआ है। और हम सबके सामने जो आज एक्ट है वो इनकी ही एक देन है, हम ये कह सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अलोका गुहा मैडम को। मैडम आपका स्वागत है। राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का है, वो बहुत एक कंटेम्पररी एक्ट है, और इसका काम है ये कि वो प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे पर्संस विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांगजन के सारे जो ह्यूमन राइट्स है उसके रियलाइजेशन के लिए। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा हिंदी बहुत बढ़िया तो है नहीं, बंगाली हूँ, बंगाली हिंदी बोल लेती हूँ,
और कुछ कुछ अगर मैं अंग्रेजी में भी बोल दूं तो माफ कीजिएगा. इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ आई डोंट स्पीक टू मच हिंदी. तो अब तक हेलो एवरीबॉडी, अब तक तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे वेबिनार देख देख के आपको लगता है कि अब तो हम मर जाएंगे सिर्फ वेबिनार के लिए. ये एक जोक था, बट अभी शुरू करती हूँ मैं. 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे हम UDHR कहते हैं, वो बहुत एक बढ़िया डॉक्यूमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट करती है. ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिक्लेरेशन था और वहां ये कहता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स एंड डिग्निटी. और यहां से शुरू हुआ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, यानी कि मानव अधिकार, जो 5 किस्म के होते हैं. एक सिविल राइट्स, एक पॉलिटिकल राइट्स, एक इकोनॉमिक, एक सोशल, और ये इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स. ये 5 राइट्स जो है ये लॉज में बंधा जाता है. लॉज मतलब एक सरकार का, गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है कि हम इस लॉ से सोशल चेंज लाएंगे. और सोशल चेंज किसके लिए लाते हैं? जो वीकर सेक्शंस है, जो डिसएडवांटेज्ड है, एंड जो वल्नरेबल सेक्शंस. तो बहुत साल से पिछड़े लोग थे, उनके लिए आज हम इंक्लूजन की बात करते हैं. और ये डिसएडवांटेज्ड और वीकर सेक्शंस में दिव्यांगजन भी आते हैं. हमारा जो पुराना पीडब्ल्यूडी एक्ट था 2015 का, सॉरी 1995 का, वो डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी बेस्ड था और वहां पे सिविल पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक राइट्स नहीं थे. और बहुत सारे प्रोविजंस में इकोनॉमिक कैपेसिटी मेंशन था, जिसके अंतर सरकार, वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो एनफोर्स नहीं कर पाते, कहते कि हमारे पास पैसा नहीं है. फिर कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं था, ऑफेंसेस का मेंशन नहीं था, और स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्लियरली मेंशन नहीं था. तो आप सब जानते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, जो यूनाइटेड नेशन से पहली बार एक डिसेबल लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी बनी, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की थी क्योंकि सरकार मुझे भेजते थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. मैं उस वक्त नेशनल ट्रस्ट की चेयरमैन हूँ थी. तो ये इसको अडॉप्ट किया गया 2006 में, 2007 मार्च में साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेटिफाई किया 2007 अक्टूबर में. और उसके अंतर ये सरकार की मजबूरी थी कि उनको पुराने लॉज को चेंज करना ही पड़ेगा. सो लॉ ड्राफ्टिंग कमेटी 2011 में बैठा गया, उसमें उनका पहला ड्राफ्ट सबमिट किया 2012 में. वो उसमें बहुत सारे चेंजेस था. राज्यसभा में भी 2014 में गया, उसमें भी चेंज. फाइनली 2016 दिसंबर में राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट्स असेंट और गजेट ऑफ इंडिया फटफट एक के बाद एक हो जाने के बाद 15 अप्रैल 2017 में वो एडॉप्टेड हुआ. डिसेबिलिटी टाइप्स नया एक्ट में 21 किस्म का है, पहले 7 था. और उसमें फिजिकल में 10 किस्म का है,
इंटेलेक्चुअल में तीन है, मेंटल बिहेवियर में एक, एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड ब्लड डिसऑर्डर्स पांच है, मल्टीपल डिसेबिलिटी एक और अलग कैटेगरी है एक, और एनी अदर के लिए सरकार ने एक विंडो छोड़ रखा कि नया कोई डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करे तो उसके उसको भी ऐड किया जाएगा। तो इस स्लाइड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये 16 चैप्टर्स है इसमें नया वाला एक्ट में। यहाँ पे एक्ट में एक बहुत बड़ा चेंज आया कंपेयर्ड टू द अर्लियर एक्ट। अर्लियर एक्ट में हम डिसेबल्ड लोगों को साथ तरफ सिंपथी दिखाएंगे, वो परसेप्शन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी में एज इफ दे वर रिसीवर ऑफ डोल्स, सरकार देंगे और वो लेंगे। मगर नया एक्ट में डिसेबल्ड लोगों के बारे में एक न्यू परसेप्शन हो, ये इस एक्ट का एम है। तो सिंपथी से एम्पथी एंड रिसीवर ऑफ डोल्स से हम ये सोचेंगे कि दे आर होल्डर्स ऑफ राइट्स, वो अधिकार उनके पास है, पोटेंशियल है, प्रॉमिस है, और सरकार का काम है वो पोटेंशियल रियलाइज करना, वो राइट्स रियलाइज करना। सो गवर्नमेंट आर ड्यूटी बेयरर्स एंड पर्संस विद डिसेबिलिटीज आर राइट्स होल्डर्स। नेक्स्ट एक्ट, एम ऑफ द एक्ट इज टू, एज आई सेड, कि डिसेबल लोग यानी कि दिव्यांग जन को नए रूप से देखा जाए एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स, नॉट एज अ रिसीवर ऑफ डोल। और फिर रिफ्रेम डोमेस्टिक लॉ फ्रॉम अ ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव, फिर उसमें बजट्स लॉ के अंदर ही बजट दे दे, इसमें है स्टेट फंड, नेशनल फंड। और चौथा नंबर में है कि टू टर्न हैरेसमेंट्स अगेंस्ट पर्संस विद डिसेबिलिटीज इनटू अ क्राइम, ये बहुत बड़ी चीज है। पहली बार इस एक्ट में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है कि आप अगर दिव्यांगजन के साथ बुरे व्यवहार करें, उनको खाने को ना दे, उनके जो राइट्स है वो नहीं पहुंचाए, तो आपके अगेंस्ट में ऑफेंस एंड पेनल्टी सरकार की तरफ से किया जा सकता है। और इसमें हम दो किस्म के दिए हैं, पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और जो बहुत सिवियर है पर्संस विद हाई सपोर्ट नीड्स। और आल्सो पहले के एक्ट में एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ पर्संस विद ब्लाइंडनेस, पर्संस विद हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड लोकोमोटर, उनके एक एक परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट था। इस बार सरकार ने एक और परसेंटेज दिया है डिसेबिलिटी में, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड किया। ये बहुत बड़ी बात है कि हु इज डिसेबल्ड। पहले हम ये कहते थे कि जिसका इंपेयरमेंट है, अब हम, आई वॉन्ट टू रीड दिस आउट, पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, जो कि सोसाइटी के बैरियर्स के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता तब जाके डिसेबिलिटी होगा। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है। सो इट्स मूव्ड फ्रॉम पर्सन सेंट्रिक डिसेबिलिटी टू सोसाइटी सेंट्रिक डिसेबिलिटी। सो सोसाइटी, आप हम सब मिलके जो बैरियर्स करते हैं, वो बैरियर्स उनको डिसेबल्ड बना देता है, जाकि वो पहले डिसेबल्ड नहीं था, उनका इम्पेयरमेंट था। डिसेबिलिटी हम बनाते हैं जब हम स्कूल में उनको भर्ती नहीं करवाते, एम्प्लॉयमेंट में नहीं देते, या उनको जो हियरिंग इम्पेयर्ड है हम उनको हियरिंग एड नहीं देते। सो ये जो हम बैरियर्स खड़े करते हैं उससे उनका डिसेबिलिटी होता। इस एक्ट में बहुत क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट का रोल्स दिया गया है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्री लीगल एड, स्पेशल प्रोसिक्यूटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और बहुत सारे लीगल प्रोविजंस है, ताकि एक दिव्यांगजन का लीगल कैपेसिटी बढ़ जाए।
ओके सो दिस अ फंडामेंटल चेंज इस एक्ट में जो पहले नहीं था, राइट? सो प्राइम मिनिस्टर ने इनको दिव्यांगजन बोला, कहा, और हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं. पहले हम कहते थे डिसेबल्ड पर्सन, नाउ वी से पर्सन विद डिसेबिलिटी, ताकि पर्सनहुड पहले आए और उसके बाद उनकी डिसेबिलिटी. तो कुछ हाईलाइट करूं मैं. पहले तो 7 से 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी होगा. हो गया, आप सब समग्र शिक्षा की प्रिंसिपल्स वगैरह है, तो इसलिए एजुकेशन रिलेटेड थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी. एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, टॉर्चर, क्रुएल्टी, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है. इसमें स्कूल में भी इसका बहुत स्कूल. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? अब प्लीज कंटिन्यू मैम, सम पार्टिसिपेंट अनम्यूटेड. ओके, वो पार्टिसिपेंट को अनम्यूट कर दीजिए. ओके, आज हमारे तरफ से विमेन विद डिसेबिलिटीज के बारे में एक मिनट कहना चाहूंगी कि इस एक्ट में बोथ इन एजुकेशन एंड इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड, अलॉटमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अलॉटमेंट ऑफ कंसेशनल रेट, बहुत सारे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम सरकार की तरफ से दिव्यांगजन के लिए है, वो उसमें से देयर इज रिजर्वेशन ऑफ प्रायोरिटी गिवन टू वुमेन, पर्टिकुलरली वुमेन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज. स्कूल रिजर्वेशन में 5% का इंक्रीज हुआ है. रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्लैरिटी दिया. यहाँ पे आप देखिए, आप सब समग्र शिक्षा की आई, ये आरटीई एक्ट में लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज में सेक्शन 2 हैव बीन एडेड. आपको मालूम होगा डिसएडवांटेज के अंदर में डिसेबिलिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया, जो कि अमेंडमेंट हुआ था 2012 में, आरटी का अमेंडमेंट 2012 में. अच्छा, एजुकेशनल जब वो डिसएडवांटेज कैटेगरी में आ गए, सारे राइट्स जो उस कैटेगरी के लिए है वो दिव्यांगजन के लिए हो गए. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल असिस्टेंस, तो वो आपको जैसा मालूम है, इट इज मेंशनड इन थ्री डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द आरटी. पहले और रूल्स में भी मेंशनड है कि किस तरह हम इन बच्चों को, जो हम 10 साल का बच्चा लेके क्लास 1 में डाल देते हैं या क्लास 2 में डाल देते हैं, मगर वो बच्चा कभी स्कूल में नहीं गया या उनके पेरेंट्स इलिटरेट है, तो वो बच्चा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कैसा कोप करेगा? तो उनके लिए आपके एक्ट में, आरटी एक्ट में प्रोविजन है कि उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिले. और ये 3 जगह एक्ट में लिखा है, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, तो ताकि वो क्लास के लिए एकेडमिकली अप्रोप्रिएट हो. इसके तरह सेक्शन 4, सेक्शन 8, सेक्शन 9 में स्पेशल ट्रेनिंग की बात किया गया, ताकि वो एट पार बने बाकी बच्चों के साथ. ये उनके अधिकार है, ये कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल दया नहीं कर रहे, कोई उनको भीख नहीं दे रहे, ये इनका अधिकार है. तो ये सेक्शन 24 में भी उनको असेसमेंट करें और उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दिया जाए. ओके, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. सो बहुत सारे चीज जो एक्ट में है वो दिव्यांगजन के लिए एक्चुअली नहीं मिल रहा, मगर ये इनका अधिकार है. तो आप जब सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं निपविड की तरह, मुझे आशा है कि ये जो उनके अधिकार के बारे में मैं कह रही हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा. और सेक्शन 21 जो स्कूल कमेटी है, उनके कमेटी के एसएमसी में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का पेरेंट को जुड़ना चाहिए, ताकि दे विल मॉनिटर मोर केयरफुली द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. ये आ रहा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में, उनका क्या क्या अधिकार है. देखिए, बहुत सारे अधिकार है. एक पूरा चैप्टर, चैप्टर 3, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17. सो इसके बारे में इनका अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन का है. आप जाके
सेक्शन 5 सेक्शन सॉरी चैप्टर 5 चैप्टर 6 में सेक्शन 31 टू सेक्शन 37 बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में अलग है. वहां पे इन बच्चों बेंचमार्क डिसेबिलिटी बच्चों का चॉइस है कि वो रेगुलर स्कूल में नेबरहुड स्कूल में जाए या स्पेशल स्कूल में जाए. मगर चैप्टर 3 में सेक्शन 16 और 17 सिर्फ और सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल की बात कर रहे हैं कि जो स्कूल सरकार के पास से कोई हेल्प ले और कोई उन जमीन भी ले तो उनको ये करना ही पड़ेगा कि एडमिशन और एजुकेशन दोनों एट पार इक्वली विद अदर्स हो दिव्यांग बच्चे के लिए. और सेक्शन 17 में लिखा है राइट टू ट्रेन टीचर्स वगैरह. मैं ये ऑरेंज वाला जो बॉक्स है इसके बारे में थोड़ा कहना चाहती हूँ. रीजनेबल अकोमोडेशन सेक्शन 16(3). रीजनेबल अकोमोडेशन क्या है कि उस बच्चे की जो जरूरत है उनके नीड्स के अंडर वो उनका थोड़ा सा अकोमोडेशंस करिकुलम एडजस्टमेंट्स एग्जामिनेशन के एडजस्टमेंट्स एडमिशन के वगैरह और उनके स्पेशल लर्निंग मटेरियल टीचिंग मटेरियल इस बारे में रीजनेबल अकोमोडेशन इज इंक्लूडेड. और जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज है सेक्शन 16(6) में उनके लिए टीचर्स शुड बी पेडागॉजिकली एब्सोल्युटली ट्रेन्ड. और फिर सेक्शन 16(4) में लिखा है कि उनके लिए इंडिविजुअलाइज सपोर्ट होनी चाहिए जो एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की टुवर्ड्स जाए. ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास में सिर्फ बैठा है और टीचर ने उनके लिए कोई अकोमोडेशन नहीं किया इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो खैर ये एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है. मैं सुनील से गुजारिश करूंगी कि इसके बारे में सिर्फ रीजनेबल अकोमोडेशन के बारे में टीचर्स के साथ बाद में डिस्कस करें. मैं अभी बीएमडी यानी कि विषय ऐसा है कि इसको अलग से हम लोग लेकर के एक वेबिनार कर सकते हैं. जरूर हम इसके बारे में विषय करेंगे. हाँ तो इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में बोल दूं क्योंकि आपने मुझे टाइम जो दिया उसके अंदर में रहना चाहती हूँ. बेंचमार्क डिसेबिलिटी कौन है? वो बच्चे जिनका 40% एंड अबव डिसेबिलिटी हो. वो कोई भी डिसेबिलिटी हो सकता. ये जो 21 डिसेबिलिटी में जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो बच्चे हैं हियरिंग इम्पेयर और विजुअली इम्पेयर और इंटेलेक्चुअली उनका कोई प्रॉब्लम है, इन सारे डिसेबिलिटीज में जिसके 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है उनको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं. और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर जो बहुत सिवियर है उनको हम हाई सपोर्ट नीड्स कहते हैं, HSN. सो ये बीएमडी में बेंचमार्क डिसेबिलिटी में स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है 31 टू सेक्शन 37 तक. और उसमें मैंने कहा कि उनका चॉइस है और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है तो 1% बढ़ा है. उसमें दो न्यू कैटेगरीज ऐड किया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी. और 5% इन एग्रीकल्चरल लैंड पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह जो मैं बात कर चुकी हूँ. आई वॉन्ट टू गो टू द लास्ट पॉइंट, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग. जो वहाँ पे 5% रिजर्वेशन कर किया दिया गया है सिर्फ विकलांग दिव्यांग बच्चे के लिए और अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years. तो ये हायर एजुकेशन के लिए. और आपका यानी कि लोकल अथॉरिटीज को क्या करना है, उनको स्कॉलरशिप देना है, उनको बुक्स असिस्टिव डिवाइसेस देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर उनको करिकुलम जो है ये मॉडिफाई करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है वगैरह. तो इसके बारे में सुनील ने अभी कहा कि दूसरे आगे जाके हम बात करेंगे. और इस वक्त जो कोरोना का टाइम में है हम सेक्शन 8 के बारे में एक मिनट बात करना चाहते हैं. क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेक्शन 8 में ये जहाँ पे डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है जो अभी हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर एक्ट के अंदर में सरकार काम कर रही है उसमें भी सेक्शन आरपीडी एक्ट में सेक्शन 8(1), 8(2), 8(3) एंड 8(4) में लिखा है कि इन लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी देना चाहिए. कि जहाँ पे आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं जैसे कि कोरोना टाइम में हो रहा वहाँ पे दिव्यांगजन जुड़े रहें प्लानिंग में भी इम्प्लीमेंटेशन भी.
और जहाँ पे सेक्शन 25 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो किया गया था वहां पे दिव्यांगजन के लिए सूटेबल मेजर्स, यानी कि जो आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें हाउ टू इंक्लूड पर्संस विद डिसेबिलिटीज भी इंक्लूडेड होना चाहिए, और जब रिकंस्ट्रक्शन होगा वहां पे एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स बंधा दिया गया। तो आप सबको मालूम है अभी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को और अभी 2020 को भी निकला है, वहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में एक सेक्शन है। वहां पे किया जाता है, कहा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ दिव्यांगजन के लिए नहीं, शेड्यूल कास्ट वुमेन एक्सेट्रा, जो पिछड़े जो बैकवर्ड रहते हैं, जो वीकर सेक्शन डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, उनके लिए URG बनाया गया, यानी कि अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप, और उनके लिए सरकार कोशिश करेगी कि उनका एक्सेस बढ़े, टीचर्स के एटीट्यूड चेंज हो, उनका अटेंडेंस बढ़े। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि आपको मालूम है कि हमेशा SSA वगैरह में कहते हैं कि हमारे पास इतने लाख दिव्यांगजन हैं, मगर क्लास में वो दिखते नहीं है, वो पेपर में इंक्लूडेड है मगर शायद स्कूल में कभी कभी आते हैं, मगर वो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, वो सीख रहा या नहीं ये भी कोई नहीं देखता। शायद आपके उत्तराखंड में अलग है, मुझे नहीं मालूम, मगर मैं बहुत सारे स्टेट्स में इवैल्यूएशन की हूँ MHRD की तरफ से, और देखा है कि पीयर ग्रुप इज वेरी गुड मगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे NEP कहता है एजुकेशन is the single greatest tool for achieving social justice and equality. और ये हमारे RPDWD के भी एक्ट है कि social justice and equality के बारे में हम सोचें, जो disadvantage है, और उनके लिए एक inclusive and equitable school culture तैयार हो। और chapter 16 के बाद में बात करके हम खत्म करेंगे कि चैप्टर 16 RPWD एक्ट में ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में है, जो लोग दिव्यांग जन के साथ दुर्व्यवहार करें या उनका राइट्स वहाँ उनके पास ना पहुँचाए, या उनके फैमिली मेंबर्स भी अगर उनको पानी खाना मेडिकल हेल्प ये सब नहीं दे, तो उनके लिए पनिशमेंट हो सकता है, बहुत सारे फाइन्स है, जेल टर्म भी हो सकता है। तो जो दिव्यांगजन के लिए बेनिफिट है वो अगर किसी और व्यक्ति ने इसको फ्रॉडुलेंटली अवेल करे, उनके पास उनके लिए पनिशमेंट है। तो मैं इसमें इस स्लाइड से खत्म करना चाहती हूँ कि कोरोना टाइम में हम सब एक पेड़ से सीखे, स्टैंड टॉल एंड स्टैंड प्राउड, बी पेशेंट, कीप ग्रोइंग, रीच फॉर द स्काई, enjoy the view, be a safe haven for others, embrace change, be flexible, never forget your roots and stay grounded, be content with your natural beauty and know when to let go. So I want to wish all of you, bahut safe rahiye, ghar pe rahiye, aur jo online training wagaira aap kar rahe hain unke उनमें एक हिस्सा जरूर रखिएगा ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। एंड आई वांट टू थैंक निपिट डायरेक्टर हिमांशु दास एंड सुनील एंड पंकज एंड एवरीबडी, जो हमारे दोस्त भी हैं और कलीग्स भी हैं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच अलोका मैडम। परसों मैंने अलोका गुहा मैडम से जब चर्चा करी, फोन किया तो मैम आप कैसे हैं, तो उन्होंने बोला आई एम एंजॉयिंग लॉकडाउन सिचुएशन। मैंने इस पेंडेमिक कंडीशन में भी बहुत से लोग अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं काम करने का। मैम से जब बात चल रही थी तो मैम सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 3 से 4 वेबिनार जो हैं अटेंड कर लेती हैं, और पूरे देश भर में अपनी सर्विसेज जो हैं वो कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं पूरे देश भर में दे रही हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुझे पता है कि जो RPWD एक्ट है इसे आधे घंटे के अंदर समराइज करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको समझाने का प्रयास किया कि
कि क्या क्या प्रोविजंस है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए, जहाँ तक बात करते हैं एजुकेशन की, जहाँ तक बात करते हैं करिकुलम की, या फिर किस किस प्रकार से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस RPD WD एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी। मैम, उत्तराखंड समग्र शिक्षा अभियान के मिस्टर आकाश सरस्वत जी हमसे जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमसे जुड़े हुए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज सर को। डॉक्टर पंकज सर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जितने भी वेबिनार्स हमारे अभी पेंडेमिक कंडीशन में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस सबको ऑर्गेनाइज करने में डॉक्टर पंकज की बहुत जबरदस्त भूमिका रही हुई है। ये दिन में कम से कम 3 से 4 वेबिनार जो हैं वो कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएशन के लिए। ये पूरे देश भर की जितने NGOs हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, इसके साथ साथ जो टीचर्स एजुकेशन पूरा DEd या BEd और MEd की हम बात करें, इसके लगातार अलग अलग इश्यूज जो डिसेबिलिटी सेक्टर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको वो कवर कर रहे हैं। आज अपने बिजी शेड्यूल में से एक समय हमारे लिए निकाला है डॉक्टर पंकज साहब ने, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर पंकज साहब आप बात करेंगे RPWD एक्ट में एजुकेशन के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज सर धन्यवाद। सर सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से भी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आकर अपनी बात एक शिक्षक होने के नाते और दूसरे शिक्षकों से साझा कर सकूं। तो सभी शिक्षकों को प्रणाम। सभी जो जुड़े हुए साथी हैं हमारे वो कहीं ना कहीं से शिक्षक हैं, और शिक्षकों तक बात पहुंचाने का मतलब होता है कि पूरे समुदाय तक बात पहुंचाना, क्योंकि आज जो हम सब यहाँ नागरिक बने घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं 10 से 20 साल पहले, कोई 25 साल पहले, कोई 30 साल पहले विद्यालय का हिस्सा हुआ करते हैं। हमारा देश अगर ये कह रहा है कि हमें अब एक अगली कड़ी की ओर बढ़ना है, हमें कुछ नया सीखना है, तो हमें सीखने के लिए तत्पर भी होना पड़ेगा। तत्पर होने के लिए पहले हमें तो पूरा तो कुछ उसके लिए अपेक्षित व्यवहार है, अपेक्षित गुण है, उनको रखना भी बहुत जरूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसे समझना जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं आज RPWD, और उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ बात करूंगा कि किस प्रकार ये शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बातें स्कोप हमारा RPWD एक्ट देता है। तो आप देख पा रहे हो कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैडम अलोका मैडम को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना एक RPWD के बारे में बड़ा संक्षेप में बहुत अच्छा एक विवरण दिया, और साथ में सर ने भी बताया कि जो ये कानून है, ये कानून केवल हमारे लिए नहीं है कि हम शिक्षकों तक ही जाने, ये कानून हम सबको कहीं व्यापक समझना होगा। सिर्फ नीति निर्धारकों तक ये कोई कानून नहीं रहना चाहिए, ये बल्कि इसका चाहिए। इस संदर्भ में बहुत आवश्यक है कि हम इस कानून के जो विभिन्न आयाम है उनको समझें और उनके भावों को जानने का प्रयास करें। मैं एक छोटा सा डाटा आपके पास शेयर कर रहा हूँ जो एडसिल आप सब जानते होंगे, उनके द्वारा MHRT के बिहाफ पे एक स्टडी की गई थी जिसमें वो मानते हैं कि 28.23% जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो स्कूल से बाहर हैं, जो 6 से 13 साल वाले एज ग्रुप में। अब आप देखिए कि 6 से 13 मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो हम जिस मुहिम की बात कर रहे हैं वो उसमें 2014 की रिपोर्ट है। भले ही मान लीजिए आपने कुछ इम्प्रूव किया होगा, सब लोगों ने किया होगा, लेकिन आज के कंडीशन में कल जो द हिंदू में भी अखबार आया वो 60% से भी ऊपर बच्चों को, 70% बच्चों को करीब करीब बता रहा है कि वो स्कूल से बाहर हो जाने या एजुकेशन से आउट ऑफ स्कूल हो जाने का खतरा वो बता रहा है। ये बड़ी ओर हमें इशारा कर रहा है, हमें तैयार होना होगा एक नए ओर के लिए, नई शिक्षा व्यवस्था के लिए, एक नए जो एक उपाय है, उपागम है, उनकी ओर हमें कूच करना होगा, उस ओर हमें प्रस्थान करना, और इस प्रस्थान के लिए हमें बेहतर समझ रखनी जरूरी है कि इनकी शिक्षा क्यों जरूरी है। शिक्षा जरूरी है क्योंकि वो अधिकार पूर्ण रखते हैं इस बात को कि उनकी शिक्षा होनी चाहिए। यह हमारा कानून बताता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम बताते हैं, हर तरह से वो अधिकार रखते हैं। तो ये कोई हम कोई जो कुछ लोग सोचते हैं कि एजुकेशन मैं दे रहा हूं, अपने स्कूल में मैं एडमिशन कर दे रहा हूं, तो कोई वो एक किसी पे उपकार नहीं कर रहे होते, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे होते। तो आज हम 3 चीजों पे बात करेंगे। बेसिकली अगर शिक्षा पे बात करें तो एक दिव्यांगजनों के
पास जो सबसे एक इम्पोर्टेंट एक उनके परिवार या उनके लिए जो एक एस्पेक्ट है वो सेक्शन 31(1) के तहत एक प्रोविजन। सेक्शन 31 ये बताता है कि कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला बच्चा, यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी को परिभाषित आलोका मैडम ने किया था, मैं पुनः उस बात को रख रहा हूं कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी से तात्पर्य है कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके पास जिनकी विकलांगता का प्रतिशत किसी जो सक्षम प्राधिकार है, सक्षम बोर्ड है, उसके द्वारा 40 या उससे अधिक बताया गया, उसे हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। यानी कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आने वाले 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनका अधिकार है कि वो शिक्षा पा सकते हैं, और कहां पाएंगे वो अपने च्वाइस के स्कूल में, अपनी इच्छा के अनुसार किसी स्कूल में पाएंगे। यानी कि वो स्कूल उनके बगल वाला एक कोई स्कूल हो सकता है या फिर वो किसी स्पेशल स्कूल में भी जा सकते, इसकी स्वतंत्रता उन्हें दी गई है कि वो किस विद्यालय में जाएं, वो चुनने की स्वतंत्रता उनके पास है कि वो अपने पास के स्कूल में विद्यालय में जाएं या फिर तो उसके बाद में हम लोग दूर में जाएं, स्पेशल स्कूल में जाएं। ये एक गहन एक विचार करने वाली बात है और हमें दिमाग में रखने वाली बात कि ये अधिकार उनके पास है और ये अधिकार उनको एक कानूनी वैधानिक हमारे देश की एक जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें अधिकार मिले, तो इस अधिकार को आप सबको हम सबको रियलाइज कराना। अब ये अगर आप देखें कि उन्हें क्या हमारे एक स्कूल का क्या ड्यूटीज बनता है, क्या इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बनता है, आप स्कूल में है, हम सभी विद्यालय शिक्षक हैं यहाँ पर जुड़े हुए, तो शिक्षक कहाँ पर होते हैं, स्कूलों में होते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए इस संबंध में। तो आप देखें कि चैप्टर जो 3 है इस एक्ट का वो पूरी तरह से शिक्षा पे बात करता है, उसमें 3 सेक्शन है, 16, 17, 18 मेजरली ये 3 सेक्शन है जो एजुकेशन पे बात करती है। अलग बात है इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्शन है जो इनडायरेक्ट वे में यानी परोक्ष रूप में शिक्षा के प्रावधानों को मजबूत करती है या उन्हें ही किसी रूप से जो स्ट्रेंथन कहें या उन्हें मजबूती प्रदान करती है। तो सबसे पहले यदि आप देखें तो सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 ही सबसे ब्रॉड है, वह ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, मतलब जो हमारी शैक्षिक संस्थाएं हैं, स्कूल एक शैक्षिक संस्थान है, उनके दायित्वों की बात करता है, उनके कर्तव्यों की बात करता है कि उनके क्या कर्तव्य बनते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट वे में लिखा हुआ है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, इसका मतलब होता है सरकार और लोकल अथॉरिटी, मतलब आपकी जो पंचायतें हैं, सेल एंडेवर दैट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय और रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय देम मतलब गवर्नमेंट या लोकल बॉडी यानी पंचायत, रिकॉग्नाइज्ड बाय देम प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ये आपको करना ही करना है। सेक्शन 16 कहता है कि आपको ये इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करना है हर एक बच्चे को, टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड टुवर्ड्स एंड सेल। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोविजंस रखे, क्या क्या होंगे इसके लिए, क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, उसके लिए प्रयास के लिए रखा है। प्रयास से पहले मैं थोड़ा इसमें कहा कि मैं लौट रहा हूं, फिर से पुनः इस बात को कर रहा हूं। सेक्शन 16 कहता है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको अधिकार है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन या वो उपलब्ध कराता है ये प्रावधानों को। 16 जो है वो कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसके मायने हो सकते थे कि अलग अलग हो, लेकिन क्लियर कट इस एक्ट ने, इसके सेक्शन 2M ने इसको परिभाषित भी कर दिया, यानी कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या मायने होते हैं। बहुत बार ऐसी चीजें जो एक्ट में परिभाषित नहीं होती हैं, उनको लेकर के कुछ अपनी अपनी राय या कुछ लोग उसे इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, उसको दूर कर दिया गया। तो सेक्शन 2M जो है, जो समावेशी शिक्षा है, इसको परिभाषित कर इसकी तो एक विवेचना ही कर डालता है कि किसे हम कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब जो सामान्य रूप से लोग यूजुअली, सामान्य आप तो नहीं, हम शिक्षक तो समझते हैं, लेकिन परिवार के लोग चाहे और लोग भी ये सोचते होंगे या हम में से कुछ शिक्षक भी सोचते होंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी और अदर्स कम टुगेदर टू लर्न, मतलब दो सब एक साथ आ जाए और पढ़ें, लेकिन ये नहीं है।
इसके आगे इस परिभाषा में देखिए तो लिखा हुआ है लर्न टुगेदर तो है लेकिन एंड द सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सुटेबली अडेप्टेड, यानी कि जो पढ़ने सीखने और सिखाने की जो का सिस्टम है जो प्रणाली है वह व्यापक रूप में अनुकूलित होनी चाहिए। और कैसी अनुकूलित होनी चाहिए? टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि इस प्रकार अनुकूलित होनी चाहिए कि जो दिव्यांग बच्चे हमारे हैं उनकी जो अधिगम आवश्यकताएं हैं सीखने की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें समझना होगा और हमें जानना होगा कि हम इसके बिना अगर हम सोच रहे हैं कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बेमानी है, क्योंकि कानूनी रूप से ही और आधिकारिक रूप से वैधानिक रूप से इंक्लूसिव एजुकेशन को परिभाषित कर दिया गया है और ये कहता है कि हम केवल दिव्यांग बच्चों और सबको बिठाने का एक साथ बिठाने का पर्पस इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन माना ही तभी जाएगा जब हम उनके अधिगम आवश्यकताओं को उनके सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है यानी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है प्रणाली है उसे हम अनुकूलित करें। इस बात से आप लोग आशय मेरा समझ गए होंगे। अब लौटते हैं सेक्शन 16 के प्रावधानों पर। सेक्शन 16 कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, भाई इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रावधान बनाता है वो एक स्कोप प्रोविजन बनाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, उसके अलावा उसके कुछ बिंदु हैं मैं एक एक करके। तो फिर से जो हमारे प्रावधान है वो क्लियर कट बने हुए हैं, तो कुछ उसके प्रावधान को मैं एक एक करके रख रहा हूं कि उन्हें बिना किसी भेदभाव के उन्हें शिक्षा दी जाए, उनके लिए जो खेल कूद के साधन भी हो बराबर रूप में उपलब्ध कराए जाए, उनके लिए जो बिल्डिंग हो दूसरी बात है बिल्डिंग हो जो सुविधाएं हैं दूसरी जैसे टॉयलेट है कोई और भी सुविधाएं लाइब्रेरी है ये सभी एक्सेसिबल हो, फिर उनके लिए रीजनेबल एकोमोडेशन किया जाए। रीजनेबल एकोमोडेशन मतलब कि जो रीजन जिसके पीछे आप रीजन कर सकते हैं उसके लिए जो बदलाव ला सकते हैं जो संभव हो सकता है वो सब बदलाव वहां लाए अपने पास। और इसके अलावा रीजनल एकोमोडेशन को जो हमारा इसके संदर्भित नियम बने हैं इसमें फिर से परिभाषित की गई है। तो मैं वही कहूंगा कि अभी 10 मिनट 15 मिनट में हम चाहें कि पूरा एक्ट समझ जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बिंदुओं को जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि उन्हें हम प्रोवाइड करें कि इंडिविजुअलाइज सपोर्ट हम प्रोवाइड करें जिससे वो अपने आसपास के जो अकादमिक वातावरण है उसमें अपना बेहतर निर्माण कर सके और फुल इंक्लूजन की तरफ बढ़ सके। फिर है कि उनके एजुकेशन में जो आप माध्यम है वो एप्रोप्रिएट प्रोवाइड करें, अगर कोई डेफ बच्चा है उनके लिए लैंग्वेज कम्युनिकेशन का उपलब्ध करना। मैं ये जो पढ़ रहा हूं ये सभी ड्यूटीज पढ़ रहा हूं, ये ड्यूटी है किसका? एक प्रत्येक शैक्षिक संस्थानों की ड्यूटी है ये, तो ये ड्यूटी है उन्हें करना होगा। फिर डिटेक्ट करना है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को और उनके लिए सुटेबल जो शिक्षण शास्त्रीय समाधान है उन्हें रखना है यहाँ पर। इसके अलावा जो आपको मॉनिटर करने की बात की जा रही है कि आप मॉनिटर करें बच्चों के प्रोग्रेस को कि कैसा आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, नहीं अगर सफल हो पा रहे हैं उनकी सफलता को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक टूल आप अपना सकते हैं कि उन्हें ठीक किया सकते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी के साथ बात करते हैं कुछ लोग उसे घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान तो एक शिक्षक करता ही करता है। एक शिक्षक देखता है कि उसके साथ जो पढ़ रहा बच्चा है उसकी प्रगति एप्रोप्रिएट है कि नहीं, उचित है या नहीं, नहीं है तो वो अपने अनुसार कुछ ना कुछ इंटरवेंशन को लाता है वहां पर और ये इंटरवेंशन काफी जरूरी है। फिर इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है इस तरह के बच्चों को दिए जाने की जरूरत पर बल देता है। इसके बाद 16 से अगर हम 17 पे आए तो 17 नंबर का जो एक्ट है वो अब 16 में जो आपने कह दिया कि ये ड्यूटी आपकी है, अरे भाई उस ड्यूटी को निभाया कैसे जाए, क्या क्या किया जाए, कौन कौन से मेजर्स अपनाए जाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो की परिकल्पना कर रहे हैं एक्ट या प्रावधान रख रहा है, परिकल्पना नहीं कहेंगे प्रावधान कहेंगे जो एक्ट रख रहा है उसे कैसे मीट आउट किया जाए। तो यानी कि 16 में ड्यूटीज बताए गए हैं और 17 में मेजर्स बताए गए हैं, मेजर्स मतलब समाधान बताए गए हैं कि कौन कौन से समाधान आप लागू कर सकते हैं। तो इसलिए समाधान हमेशा जो होते हैं आप बहुत व्यापक नहीं लिख सकते, इसलिए समाधान में आप देखेंगे तो लास्ट में एक्ट ये कहता है एनी अदर, एनी अदर मतलब ये समाधान तो कुछ सोचे जा सकते हैं, कुछ और उपाय जो आज के संदर्भ में नहीं है फ्यूचर में आ सकते हैं उन समाधानों के बारे में सोचे जाने की आवश्यकता है।
तो 16 जो है बेसिकली समाधानों की बात करता है। तो क्या क्या करने की बात करता है, पहला जो एक इंपॉर्टेंट बात आस्पेक्ट कहता है वो कहता है एक स्कूल के लेवल का सर्वे होगा 5 साल पे, प्रत्येक 5 साल। और पहला सर्वे वैसे 2 साल में लेना था, आना था, अभी तक नहीं आ पाया है वो सर्वे। तो इस तरह के बच्चों के लिए एक सर्वे होना है कि एक्चुअल स्टेटस क्या है। मैं 2004 के 14 के एक एडसिल के सर्वे की बात कर रहा हूँ, बीच में और कितने यूनिसेफ के सर्वे आया, किसी और का भी सर्वे आता रहता है, तो सर्वे कई हो सकते हैं। तो ये सर्वे सरकार करे और उसको आकलन करे कि क्या अभी व्यवस्था है शिक्षा की पूरे देश में, और उसके बाद नीतियों का निर्धारण करें। बिना किसी डाटा, बिना किसी आपके पास आधार के आप जब प्लानिंग करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला जो मेजर एस्पेक्ट सरकार को निर्देशित किया गया है वो यही किया गया है कि एक सर्वे। उसके बाद कहा गया कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर किए जाए। आपने कहा कि इतने स्कूल ये करे, ब्रेल में पढ़ाए, वो करे, तो अब उसके लिए जरूरी है कि इस तरह की चीजें, गतिविधियां भी जारी। तो ये सरकार को निर्देशित, या सरकार या जो सक्षम निकाय है उन्हें यह निर्देशित करता है ये एक्ट कि आप समुचित संख्या में शिक्षकों को तैयार करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको इम्प्लॉय भी करेंगे, अपने यहाँ लगाएंगे। और उसमें जरूरी है, मतलब ये भी कह रहा है कि आप टीचर विद डिसेबिलिटी भी अपॉइंट करें। टीचर विद डिसेबिलिटी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो टीचर हो सकते हैं उस तरह के टीचर्स की भी अपॉइंटमेंट का प्रावधान रखिए। फिर वो कहते हैं कि जो आपके और जो स्टाफ है, प्रोफेशनल स्टाफ है या जो अदर स्टाफ है, क्लर्कल स्टाफ है, उनकी भी ट्रेनिंग करें ताकि वो भी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सोचने की बात करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि समावेशी शिक्षा की बात करें, उस अगुवाई में वो हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये तो जब हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे होते हैं वहां कोई छूटता नहीं है। वहां पर हर एक व्यक्ति हितधारक है, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है और हर एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद है कि एस्टेब्लिश करना है बहुत एक उचित संख्या में रिसोर्स सेंटर का, वहां पर शैक्षिक समाधान मिल सके, उनके हर लेवल पे उन्हें सपोर्ट मिल सके, इन सब की बात कही गई है, ताकि एप्रोप्रिएट ब्रेल और साइन लैंग्वेज में लोगों कम्युनिकेशन करने के लिए इसकी व्यवस्था हो सके, इसकी भी बात की गई है। अब जो उनको बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टू प्रोवाइड बुक्स, एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस टू स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू द एज ऑफ 18 इयर्स, कि जो बुक्स हैं वो उनको फ्री प्रोवाइड करेगी। अब मैं आता हूं कि बुक्स की बात नहीं कर रहा, अदर लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम उन्हें अप्रोप्रिएट मटेरियल दिलाएं। अगर आज पुस्तकें नहीं सटीक हो पा रही तो कुछ और समाधान पे बात करें। जैसे मैं शनिवार को मध्य प्रदेश शासन से जुड़े हुए एक वेबिनार में था, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत इनिशिएटिव किया। आप कभी जाएं देखें वहां के प्रयासों को, रेडियो के प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया है, और वो कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए कर रहे थे कि कैसे वो अपने राज्य के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कैसे कैसे अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सके। उनके रेडियो कार्यक्रम को वेट करना चाहते हैं ताकि वो रेडियो कार्यक्रम उनके लिए फायदेमंद है कि नहीं है वो जानना चाहते हैं। ये इस लेवल की सेंसिटिविटी की आवश्यकता है टॉप लेवल से, और इसी लेवल पे एक्शन होने जाने की आवश्यकता है, और ये एक्शन हर स्तर पर किए जाने की जरूरत है। आज जरूरत है कि हम एक शिक्षक के रूप में भी, हम ये ना कहें कि हमारी सरकार ने क्या किया, आपने अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, कौन से तकनीकी समाधान के साथ अपने बच्चों के सामने आ सकते हैं, यहाँ पर ये आपका भी दायित्व बनता है। तो इसलिए सरकार को यह भी कहा गया कि स्कॉलरशिप्स भी दें और उनके लिए जो करिकुलम में जो सुटेबल चेंजेस आ सकते हैं उनको लाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आप कुछ शोध भी करें जिससे इस तरह के बच्चों कैसे सुधर सके, और मैंने कहा था कि सबसे अंतिम में कि कोई अन्य साधन। इसके अलावा जो एक 8वीं नंबर का कानून, जो सेक्शन धारा है इसकी, इस कानून की, वो बेसिकली कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात करती है, वो एडल्ट एजुकेशन की बात की, जो कोई दिव्यांग बड़े भी हैं तो वो भी अपने शिक्षा को सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सके दूसरे किसी के साथ, किसी भी फोरम पे, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा ऐसे प्रावधान होने चाहिए। इस 18वीं बताता है, यानी कुल मिलाकर अगर हम एक छोटा सा समेकन करें इसका अभी के बातों का, तो हमारे पास सेक्शन 16 है जो बात करता है जो ड्यूटीज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, शैक्षिक संस्थानों के दायित्वों की,
दूसरा करता है कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए इन दायित्वों को पूरा करने के लिए, और 18 जो है वो बात करता है एडल्ट एजुकेशन की, जो वयस्क लोगों की शिक्षा है उनकी बात करता है। ये कुल मिलाकर के ये तीन प्रावधान है। ये नहीं कि ये सिर्फ तीन प्रावधान ही हैं, और भी मैंने कहा था कि कई ऐसे कंपोनेंट है इस एक्ट में जो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि कैसे आप और शिक्षा को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे अभी कोई विमेन विद डिसेबिलिटी या कोई लड़कियों की शिक्षा पे कोई विशेष बात आपने अभी तक नहीं देखी 16, 17, 18 में, तो ये बात सेक्शन के 4(1) में कह दी गई है पहले ही 4(1) में कि भाई जो विमेन विद और गर्ल विद डिसेबिलिटी है वो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं, इसलिए उनके राइट्स का प्रोटेक्ट करने का दायित्व सरकार का है और वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। यानी कि जो सुविधाएं मिल रही हैं वो किसी भी तरह से किसी महिला होने के कारण ये बाधित नहीं होने चाहिए ये बातें, और ये उन्हें मिलती रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखें तो कई ऐसे प्रावधान हमारे इस एक्ट में है ही, हमारे इस कानून में है ही, जहां पर हम देखते हैं चीजों को। जैसे रीजनल एकोमोडेशन की बात सेक्शन 3(5) में कही गई है। इसके अलावा जो अगर आप देखें तो कई ऐसे प्रावधान हैं जहां पर आप देखें कि कई ऐसी बातें की गई हैं। मैं देख पा रहा हूं कि ये कहीं कहीं स्किप कर गया, हाँ स्लाइड्स। तो उसके बाद हम लोग स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक पूरा सेक्शन हमारा है स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे। तो मैं इसको बहुत शॉर्ट करके रखना चाहूंगा कि सेक्शन 19 कहता है कि सरकार फॉर्मुलेट करेगी स्कीम को जो किसी तरह से लोन कंसेशन रेट पे देगी और फैसिलिटेट करेगी एम्प्लॉयमेंट को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, वोकेशनल ट्रेनिंग को, इन सब चीजों को प्रमोट करने की बात सेक्शन 19 में कही गई, और इसके लिए कदम उठाने की बात भी कही गई है कि क्या करना है। तो आपको मेन स्ट्रीम का जो फॉर्मल नॉन फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग, यानी कि जो अभी ITI और इस तरह के हैं, उन सबको उन सब में इंक्लूजन की बात कह रहे हैं। इसके अलावा वो बात करते हैं कि एडिक्वेट नंबर पे सपोर्ट करना है, कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग, कोई अलग तरह की ट्रेनिंग अगर चलानी है तो उनकी उनको भी सपोर्ट करने की बात की जाती है। इसके लिए SCPW स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक काउंसिल बना हुआ है जो इन सब चीजों को मॉनिटर करता है। लोन कंसेशन रेट पे आपको मैंने बताया ही ये इन चीजों की है। और जो इस तरह के व्यक्ति अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, कुछ अपना उत्पाद बनाते हैं, तो उन्हें मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की हो इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी दिए जाने की जरूरत है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे एस्पेक्ट को रखता है। तीसरा एक एम्प्लॉयमेंट का सुनील सर ने मुझे दिया था, तो मैं एम्प्लॉयमेंट से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की बात तो कोर्ट करता ही नहीं। इसीलिए जो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट के नाम से एक अलग से सेक्शन है जो 20 नंबर का सेक्शन है इस कानून का, वो पूरी तरह से कहता है। इसके अलावा जो 23 नंबर का सेक्शन है वो कहता है कि अगर इस तरह का कोई है तो एक रिड्रेसल ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बनाए जाने की जरूरत है। अगर कोई इसमें भी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप चीफ कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ स्टेट अपने जो राज्य के हैं, जो जैसे हमारे बीच अभी श्री मनोज यादव सर जुड़े हुए थे, डॉक्टर मनोज यादव सर, तो वो इस राज्य के स्टेट कमिश्नर है डिसेबिलिटी के, उनके पास आप एक माध्यम से जो भी पत्र द्वारा या जो उनकी विधि है उनके द्वारा आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई वो होती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए होंगे जब आप सर को सुनेंगे तो वो इस बात को रखेंगे भी कि बहुत सारे इस तरह की चीजों को सुनवाई करते हैं। इस तरह से बहुत सारे ग्रीवांस रिड्रेसल सेल्स एक्शन है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बाधा क्या है फिर, अगर आज ये काम नहीं हो पा रहा है तो बाधा क्या है आखिर कि क्यों नहीं हो पा रहा है इंक्लूजन। तो इंक्लूजन बैरियर के लिए भी उन्होंने एक शब्द बड़ा डिफाइन किया हुआ था, कौन से बैरियर है जो इंक्लूजन में बाधा हो रहा है। तो बैरियर हैम्पर्स द फुल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सोसाइटी, मतलब वो हर कुछ बाधा है जो किसी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन यानी प्रतिभाग करने की भागीदारी करने में समस्या हो रहा है तो वो बाधा है। यानी किसी व्यक्ति का एटीट्यूड भी बाधा हो सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रयास बाधा हो सकता है, कोई मान लीजिए कोई टॉयलेट एक्सेस नहीं कर पा रहा तो वो भी बाधा है। तो ये बाधाएं बहुत तरह से हो सकती हैं, इसलिए बाधाओं को दूर करने का प्रयास एक हमें करना चाहिए। स्कूल में आप समझ सकते हैं किस तरह के एटीट्यूडनल बाधाएं हो सकती हैं या किस तरह से कोई एक स्ट्रक्चरल बाधा हो सकती है, इन सब चीजों को दूर करने का प्रयास हम आप सभी कर सकते हैं।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन बाधाओं को दूर नहीं कर सकता है। सबसे अंतिम में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यह कानून एक सोशल कानून है। जिस तरह से दहेज की समस्या एक थी, वो सिर्फ कानून से दूर नहीं हो सकती थी, वो एक जन मुहिम, जन समुदायों में एक व्यापक समझ, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी अवेयरनेस, उनके बीच शिक्षा समझ, इन सब का होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस प्रकार के कानून से कुछ बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि यह कानून सबके लिए है। कोई कहता है यह दिव्यांगजनों का कानून है, यह कानून सबके लिए है जो एक समावेशी समाज बनाने की ओर आगे बढ़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस बातों को समझे होंगे। फिर भी अगर नहीं कोई समझे होंगे तो आप किसी को भी, हमारे संस्था को या हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी बात पे अगर डाउट है, किसी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप हम लोग बैठ करके उसे दूर कर सकते हैं। मुझे इस अवसर देने के लिए पुनः मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज सर। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने हमें बताया कि एजुकेशन के संदर्भ में, एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में और स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में दिव्यांगों के लिए RPWD एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सर सच में आपने सही कहा कि केवल कानून बना देने से काम नहीं चलने वाला है, कानून को समझने की जरूरत है। ये आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कानून को समझें और कानून में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या प्रोविजन है, उसको बेहतर तरीके से समझकर उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, तभी हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। कि खाली एक कानून RPWD एक्ट की बात नहीं है, जितने भी कानून हमारे देश में हैं, एक हमारी एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब जो प्रावधान दिए गए, इन प्रावधानों को हम समझें और उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज सर। हमसे आगे नेक्स्ट स्पीकर के रूप में हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर जसमेर सर। थोड़ा सा डॉक्टर जसमेर सर का मैं परिचय देना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर पंकज सर ने बात कही है अभी एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की, तो पूरे देश भर में जहां तक हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो NIEPVD पूरे देश भर में DED के लिए 100 से ज्यादा सेंटर चला रहे हैं, जिनकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर जसमेर सर की है। तो मैं इन्वाइट करूंगा डॉक्टर जसमेर सर को कि वो हमारे साथ जुड़े और हमें बताएं कि क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट की, जहां तक बात करते हैं RPWD एक्ट की। डॉक्टर जसमेर सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर से मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जसमेर सर से कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज के इस वेबिनार ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम रखा गया RPWD एक्ट के ऊपर, इसके ऑर्गेनाइजर श्री सुनील सुरपुरकर जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे NIPVD में, हमारे डायरेक्टर हिमांशु दास जी और उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जुड़े रिटायर्ड मेजर योगेंद्र यादव, कमिश्नर डिसेबिलिटी उत्तराखंड, मैडम अलोका गुहा जो मेंटर है स्पेशल एजुकेशन के और इस RPWD एक्ट को हमारे बीच में लाने के लिए, मैडम बहुत ही रिस्पेक्टेड मैडम अलोका गुहा जिसका संबोधन हमने सुना और हमें एक डायरेक्शन मिली कि किस दिशा में जाना है। हमारे कुलीग अभी रिसेंटली रिसोर्स पर्सन थे डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर विनोद कुमार किन जी, हम सभी ये NIPVD की तरफ से ये जो एक प्रयास किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि किस प्रकार से RPWD एक्ट के बारे में ओरिएंटेशन होना चाहिए सभी प्रोफेशनल्स का, ग्रास रूट पर जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का, यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा श्री सुनील कुमार सिरपुरकर जी को कि उन्होंने इसे प्रयास किया और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने विचार शेयर कर पाए। अभी सुनील जी ने बताया है कि पूरे देश के अंदर डिसेबिलिटी सेक्टर के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, जो अपना प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा को किस प्रकार से दिया जाए, लेकिन वही प्रयास नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे कि आखिर RPWD एक्ट आया हमारे बीच में और क्या बदलाव हमारे बीच में आया है उससे आने से। द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यूनाइटेड नेशन ने 2006 में इसको बनाया और इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों ने आते आते 2008 तक 160 कंट्रीज में इसके ऊपर साइन किए कि हम अपने देश में इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे
इसके प्रोविजंस को लागू भी करेंगे, नए नए प्रोविजंस करेंगे, तो ये तो एक बैकबोन बना हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आने का। 2011 में इसी को एक्ट को इंप्लीमेंट किस प्रकार से किया जाए, यूएनसीआरपीडी को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो बनते बनते 2016 तक पार्लियामेंट में हमारा ये कानून गया, और वहां से जाते जाते जब ये पास हुआ राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को, लोकसभा में 17 दिसंबर 2016 को, और इफेक्ट हुआ 30 दिसंबर 2016 को, तो इसने एक पुराने एक्ट को रिप्लेस कर लिया जो पुराने नाम से हम जानते थे पीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज थी और इस एक्ट में 21 डिसेबिलिटी है। अगर आप गौर से स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि यूएनसीआरपीडी जो पूरे के पूरे विश्व में है, जो डिसेबल्ड के वेलफेयर की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, ट्रेनिंग की बात करता है, रिहैबिलिटेशन की बात करता है, और इवन उनके लिए बहुत सारे न्यू प्रोविजन की बात करते हैं, उसमें कैटेगराइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है, जो इस कानून में हमने इंडिया में लेकर आए हैं कि डिसेबिलिटी को हमने कैटेगराइज कर दिया 21 में, न केवल कैटेगराइज कर दिया भी, तो इस एक्ट में ये प्रोविजन भी है कि हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अगर हम विभिन्न सारे डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ही बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं। इसके ऊपर प्रीवियस में एक यूनिवर्सिटी के साथ एक सेमिनार था जिसमें बहुत सारे 2-3 चांसलर ने ये बात रखी कि अगर हम पूरा का पूरा डेप्थ में जाएंगे तो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ही 5-6 कैटेगरी होती है जिनको हम डिसेबल्ड कह सकते हैं। इट मींस कि हमें पूरी गुंजाइश है कि हम अपनी डिसेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इसका एक फायदा है, जो हमें लोकल अथॉरिटीज के रूप में, स्टेट अथॉरिटीज के रूप में ये जानने की आवश्यकता अगर हमें कहीं पड़ती है कि डिसेबिलिटी कोई छूट गई है तो उसके प्रोविजंस को हम रिकमेंड करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। अब बात आती है कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए गवर्नमेंट, बीइंग एजेंसी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इसके जो 17 चैप्टर हैं आरपीडब्ल्यू एक्ट के, उन सभी के बारे में सभी अथॉरिटीज को लोकल लेवल से अपर लेवल तक ओरिएंटेशन दिया जाए। 2016 की अगर हम बात करें कि 17 जनवरी से लेकर अगर आप 20 की बात करें, 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो क्या हमने अपने सभी के सभी अथॉरिटीज को और सेंसिटाइज कर दिया, ओरिएंटेशन दे दिया? तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की यही थी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल की थी या असेंबली की थी कि इसको अपने अपने स्टेट में पास करना था, मोस्टली बहुत सारे हमारे स्टेट्स ने इसको अपने असेंबली में जाके पास कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के हम देखेंगे तो शायद ये सब जगह पर इंप्लीमेंट भी हो चुका है। तो वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की ये थी कि हम उनको पास करें। तीसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनके जो चैप्टर्स के अंदर विभिन्न बदलाव किए गए, उन बदलाव को समझने की जरूरत है। पहला था कि 7 डिसेबिलिटी से 21 डिसेबिलिटीज के जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, उनको कौन जारी करेगा और उनकी वैलिडिटी क्या होगी, 40% डिसेबिलिटी किन किन डिसेबिलिटीज में रखा जाएगा, उनके लिए स्पेशल जो सेल है वो कैसे बनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, उसको भी आगे डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत थी। क्या स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटीज के विभिन्न हेड्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी स्पेशली इसके लिए कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जांच कैसे करे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक पूरे नेशनल लेवल पर एक जैसा बने, जैसे कि MSJEE के अंदर एक प्रोविजन किया हुआ है कि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, आप उसके बेस पे आप पूरे देश में दोबारा से आपको किसी भी दूसरी आइडेंटिटी को दिखाने की जरूरत नहीं है। स्टेट की अपनी जिम्मेवारी है कि इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करे अपने लोकल लेवल के जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोविजन स्टेट का बनता था वो है रिजर्वेशन कोटा, 3% से 4% किया गया जॉब्स में और 5% किया गया एजुकेशन में, कि उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है। स्पेशली कोटा का ही जरूरत पड़ती है 10+2 पास होने के बाद हायर एजुकेशन में, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में आप देखेंगे, वैसे भी अगर हम सिंपल देखें कि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत किसी भी बच्चे को हम एडमिशन से मना नहीं कर सकते, इट मीन ये कि वहां पर कोटे की इतनी जरूरत नहीं महसूस होती कि हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करें। लेकिन हायर एजुकेशन में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, वहां पर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। वो रिजर्वेशन कैसे लागू हो 21 डिसेबिलिटीज का, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, किस प्रकार से हो, इस सब के ऊपर एक ग्रुप बनाने की जरूरत है सभी हायर इंस्टीट्यूशंस को, कि वो अपना एक ग्रुप बनाए, वो किसी भी नाम से बनाए, चाहे वो
रिजर्वेशन सेल के नाम से बना सकते हैं, डिसेबिलिटी अवेयरनेस सेल के नाम से बना सकते हैं, वो उनके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर है कि वो किस प्रकार से बनाते हैं। वो महत्वपूर्ण है कि क्या ये 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में हो गया। दूसरा ये आता है 4% जॉब्स में रिजर्वेशन कैसे होगा, ग्रुप सी से लेकर ग्रुप बी की जॉब्स और ग्रुप ए, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये स्टेट की जिम्मेवारी है। मोस्टली ग्रुप सी की जॉब को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप ए की जो पोस्टें होती हैं उनको, क्लास वन जिनको हम बोलते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत होती है स्टेट गवर्नमेंट में, जिसमें डिसेबिलिटी कमिश्नर का रोल जो काफी महत्वपूर्ण होता है, साथ में जो वेलफेयर डिपार्टमेंट बना हुआ होता है हर एक स्टेट का, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो मिलकर किस प्रकार से जॉब को आइडेंटिफाई करें और कमिंग एडवर्टाइजमेंट में कैसे रिजर्वेशंस दे डिसेबल्ड को, ये महत्वपूर्ण था कि जो स्टेट की जिम्मेवारी थी। अगर हम देख इससे हटके अगर हम देखते हैं, सबसे बड़ा इस एक्ट में प्रोविजन किया गया था स्पेशल कोर्ट का, कि न्याय जल्दी मिले उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट हो। कोर्ट अगर हम अलग से नहीं बना पाते तो बेंच बनाए, बेंच भी अलग से नहीं बना पाते तो कोई ना कोई एक स्पेशल डे रखें जिसके तहत जो इनसे संबंधित डिफरेंट प्रकार के केसेस हैं उनकी सुनवाई तुरंत हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट्स में, ताकि इनको बहुत उसका फायदा मिले। साथ ही साथ अगला जो प्रोविजन था वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, जिसमें स्टेट अथॉरिटी की जिम्मेवारी थी कि वो करें कि फ्री एजुकेशन थी जो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, क्योंकि वैसे तो हम अगर हम एक्ट की बात करें, आर्टिकल 45 की एक्ट की बात करते हैं, अमेंडमेंट 2086 की बात करते हैं, या फिर आरटी एक्ट की बात करते हैं, तो उसमें बताया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों की एजुकेशन फ्री है, लेकिन इसमें डिसेबिलिटी में 18 ईयर तक के बच्चों की एजुकेशन फ्री है। तो इसलिए सभी एजुकेशन अथॉरिटीज की जिम्मेवारी बन जाती है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि उनके नियर बाई जो एरिया है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जो स्कूल होते हैं, जो प्रोविजन है हमारे अलग अलग प्रकार के, प्राइमरी के, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, प्राइमरी 2 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है, सेकेंडरी 5 को करता है, सीनियर सेकेंडरी 7 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है, कि उसमें कोई भी डिसेबल एप्रोप्रिएट एज के मुताबिक आइडेंटिफाई हो और उसकी इनरोलमेंट नियर बाय स्कूल में होनी चाहिए। तो ये एक प्रोविजन था 6 वर्ष से लेकर थे, जो जिसकी जिम्मेवारी स्टेट की है। साथ ही साथ इसमें अपॉइंटमेंट की बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जो हमारा डिसेबिलिटी कमिश्नर होता है वो किस प्रकार से बने, या स्टेट कमिश्नर किस प्रकार से बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस बात को कौन देखे, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात स्टेट तक कैसे पहुंचे, स्टेट से हायर लेवल तक कैसे पहुंचे, उसकी मोस्ट ऑफ अगर आप स्टडी की बात करें, रिसेंटली अभी जो गहलोत जी है हमारे मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने एक मीट की थी दिल्ली में, तो ऐसा सामने निकल कर आया मीट में कि सभी स्टेट के अपने स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर नियुक्त नहीं हुए हैं। इवन कई स्टेट्स में तो ये पिछले 10 से 12 सालों से पद खाली पड़ा हुआ है। तो 14 से 15 स्टेट्स में डिसेबिलिटी कमिश्नर उस समय थे, उस समय के कुछ 1 वीक के बाद कुछ स्टेट्स में और ने नियुक्त किए, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि रोटेशन बेसिस पर अगर हम स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं और उनको दूसरे प्रकार से नोडल एजेंसीज के रूप में या तो नोडल अधिकारी के रूप में उनको अथॉरिटी भी देते हैं, तो शायद हम इनसे संबंधित जो एक्ट की प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और जितनी शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में सोशल लेवल पर, जो सामाजिक लेवल पर पंचायतें होती हैं उनके साथ उनका पॉजिटिव कोलैबोरेशन होना चाहिए, चाहे वो पंचायत हमारी गांव की है, चाहे वो पंचायत ब्लॉक की है, चाहे वो पंचायत जिला परिषद के रूप में होती है, उन सबके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है हर लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए स्टेट के साथ मिलकर, और उनके संदर्भ में जो भी उनकी क्यूरीज हैं उन क्यूरीज के ऊपर हम अच्छे से बात करें। साथ ही साथ इसमें एक ब्रॉड बेस्ड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात की गई है, इसमें डिसेबिलिटी से संबंधित, उसमें मेडिकल टीम भी शामिल होगी, एजुकेशनल टीम भी शामिल होगी, और जो हमारे अथॉरिटीज हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी होती है, चाहे वो डीएम है, एडीएम है, उनके ऊपर है, ताकि किसी प्रकार की वो प्रॉब्लम्स को जो आ रही है उनको मिनिमाइज कर पाए और आने वाले समय के लिए एक हम प्लान कर पाए कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्पेशली इसमें
टूरिज्म दिया गया था गर्ल्स के लिए और विमेन के लिए जो किसी न किसी प्रकार से डिसेबल्ड होते हुए भी पीछे छूट जाती है, तो स्पेशल कैंपेन चलाने की इसमें बात हुई थी कि पहले तो स्कूलिंग के अंदर लेकर आए, लेटर ऑन जॉब्स में लेकर आए और उसके बाद हम उनको जिस प्रकार के न्याय की बात होती है वो न्याय मिलना चाहिए। तो ये बेसिक फीचर्स थे जो स्टेट को अथॉरिटीज के रूप में स्टेट को करने थे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो आखिर स्टेट की जिम्मेवारी कहां पर बन जाती है, सबसे पहले ये हो जाती है कि इक्वलिटी हो डिसेबल्ड की हर सेक्टर के अंदर और उनको नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो कम्युनिटी का, चाहे वो जीवन से संबंधित है, चाहे उनके सुरक्षा से संबंधित है, चाहे होम से संबंधित है या फिर फैमिली में संबंधित है कि उनको फैमिली बनाने का पूरा अधिकार बने, रिप्रोडक्शन राइट्स बने, एक्सेसिबिलिटी हो वोटिंग के अंदर, जैसे सुनील सुरपुरकर जी काफी काम करते हैं देश लेवल पे, जब भी वोटिंग का समय आता है तो ब्लाइंड्स के लिए और लो विजन के लिए स्पेशली जो हमारा NIVH है वो वोटिंग को एक्सेसिबल करता है, वोट को कि किस प्रकार बैलेट पेपर है उसको एक्सेसिबल करता है, जस्टिस मिले टाइम पर, लीगल फैसिलिटीज मिले, लीगल फैसिलिटीज मीन्स है कि एडवोकेसी फ्री हो, पोस्ट मिले कोर्ट में, स्पेशल प्रोविजन हो कि जिस प्रकार से हमने देखा हुआ है कि जो व्यक्ति किसी न किसी तरह से इकोनॉमिक वीकर है तो उसको कोर्ट में स्पेशल प्रोविजंस होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना एडवोकेट ले सकता है। गार्जियनशिप की बात आई है कि बहुत सारे ऐसे ही हमने देखा है कि जो पर्सन विद डिसेबल्ड है वो किसी न किसी प्रकार से अगर अभावहीन है तो उसको गार्जियनशिप आसानी से नहीं मिलता, स्पोर्ट्स में कि उसको पॉजिटिव सपोर्ट मिले कम्युनिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो फोकस एरिया है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी होती है कि उन जिम्मेवारी को इस एक्ट के विभिन्न चैप्टर में इनको बताया गया कि कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन चलाए जाए। एम्फेसिस की बात की गई है, जैसे प्रीवियस हमारे जो रिसोर्स पर्सन पंकज सर थे उन्होंने बताया था कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा मंत्रालय बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ पर जो एक स्किल डेवलपमेंट का एक मिनिस्ट्री भी होती है जिसको हम के अंदर विभिन्न सारे कोर्सेज किए जाते हैं, ITI वगैरह के कोर्सेज, तो वो कोर्सेज को इस प्रकार से मॉडिफाई करें कि वो डिसेबल्ड के लिए फ्री हो और उनमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा बने जिससे एम्प्लॉयमेंट बन पाए और उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो। कि जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं PWDs के कई सारे जॉब में डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो डिस्क्रिमिनेट फ्री होना चाहिए। हेल्थ केयर की बात की गई है कि स्पेशल हेल्थ केयर कैसे हो, हेल्थ केयर में भी हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स में अगर PWD कहीं जा रहा है चेकअप करवाने के लिए तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत है कि उनको लाइन में न लगकर अलग से फैसिलिटेट किया जाए ताकि उनको विशेष प्रकार की हेल्थ केयर मिल पाए। रिहैबिलिटेट की बात की है, उसके साथ विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स चल रही हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, न केवल बड़े अडल्ट्स के लिए पेंशन स्कीम्स है, एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम पर इंसेंटिव दिया जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, एडिप स्कीम्स हैं जिसके तहत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विभिन्न प्रकार के जो एड्स एंड इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। केवल वहीं तक हम सीमित ना रहे, विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप स्कीम है जिनके माध्यम से न केवल देश में अपितु विदेश में भी पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर सोचने की जरूरत है कि स्टेट सेल डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर हायर लेवल तक बनाएं कि हम उनको प्रमोट किया जाए। इसके साथ में स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, आज का जो स्पोर्ट्स स्टेट की जिम्मेवारी बनी होती है कि अपने यहां पर जो पैरा ओलंपिक होते हैं उन पैरा ओलंपिक्स को गवर्नमेंट स्कूल के माध्यम से प्रमोट करें, पहले इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो कोकुलर एक्टिविटीज होती है विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज उनको प्रमोट कराएं, लेटर ऑन स्टेट लेवल पर फिर नेशनल लेवल पर, ताकि प्रत्येक स्टेट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव भावना हो, इसके लिए स्टेट की अपनी जिम्मेवारी है। रिसर्च कैसे करें विभिन्न डिपार्टमेंट में, मेडिकल में रिसर्च की जरूरत है, एजुकेशन में रिसर्च की जरूरत है, स्किल में रिसर्च की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्किल की जरूरत है, इन और इसके साथ साथ छोटे छोटे एरिया जो पंचायती लेवल पर भी उनको लीडरशिप देने के लिए वहां पर भी जरूरत है कि हम रिसर्च करें उनको बेनिफिट दें। इवन हम देखते हैं कि COVID-19 के तहत अगर वो ड्राइव नहीं कर पाते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, और आज हमने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग करके मार्केट जाना है, इधर जाना है, तो वहां पर भी रिसर्च की जरूरत है कि हमारे बस क्या एक्सेसिबल है, क्या हमारी जो हमारे पास 2-व्हीलर है 4-व्हीलर है वो कितने एक्सेसिबल है। अगर हम आज भी बात करें कि बहुत सारे फिजिकली चैलेंज्ड है वो
टू व्हीलर को एक्सेसिबल करके उसको थ्री व्हीलर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो कोई एजेंसी के द्वारा पास नहीं होता, वो एक तरह से अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम किसी के पास जाते हैं वहां से कन्वर्ट करवा, लेकिन जरूरत है आज इसको रिसर्च करके उसको डेवलप करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को डेवलप करने की जरूरत है, वो प्रोग्राम एजुकेशनल भी हो सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेस्ड हो सकते हैं, हेल्थ वाइज हो सकते हैं, रिहैबिलिटेशन वाइज हो सकते हैं, कि उनकी जिम्मेवारी एक और ग्रुप को दी जाए कि उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना। अगर पुलिस प्रोटेक्शन की बात करें कि न्याय मिलने की बात है, तो स्पेशली पुलिस अपने एक प्रोग्राम चलाए जिनके तहत जो डिसेबल्ड पीपल्स हैं वो उनकी सिक्योरिटी और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं उनको प्रॉपर मिलने में जरूरत महसूस हो और पूरा उनका फायदा मिले। साथ ही साथ इसमें जरूरत है कि हम किस प्रकार से सोशल ऑडिट करें। सोशल जब तक ऑडिट नहीं करवाएगी सरकार, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट ने अभी तक अपना इस प्रकार से सोशल ऑडिट कराया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कि कितने डिसेबल्ड पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लॉय हैं, कितने डिसेबल्ड को एजुकेटेड है, कितने डिसेबल्ड को हायर एजुकेशन की जरूरत है, कितने डिसेबल्ड को मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है। ये एक स्टेट की मुख्य जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उसका सोशल ऑडिट कराने के साथ साथ प्लानिंग करवाए, और प्लानिंग भी 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर, जैसे हमारा नीति आयोग इस प्रकार की इजाजत देता है कि हम 20 ईयर से लेकर 30 ईयर तक का प्लान अपने स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का बनाएं, तो तभी तो हम बीइंग अथॉरिटी उनके लिए कुछ एग्जीक्यूट कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम फंक्शन की बात करें कि हमारी अपनी ड्यूटीज क्या है, अगर मैं अपनी पर्टिकुलर ड्यूटीज को बताएं तो हमें अपने आप को सेंसिटाइज होना पड़ेगा कि अगर कोई डिसेबल हमसे मिलना चाह रहा है, हम एक अथॉरिटी के रूप में कहीं पर बैठे हैं ऑफिस में, तो हम अपना एटीट्यूड भी बदलें उसमें कि हमें उनको हेल्प ही नहीं करना, अभी तो गाइड भी करना है उनको, और उनको गाइड करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो स्कीम से संबंधित दूसरे डिपार्टमेंट्स है जो उनके कोर एरिया को देखते हैं वहां पर उनका रेफरल भी करना है, ताकि हम एक कोऑर्डिनेशन बना के टीम वर्क में काम करें, न कि दूसरे पर छोड़े। इसके बाद हम अगर मोटे तौर पर आ जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स करें, वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एजुकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। आज भी अगर हम देखते हैं कि स्पेशल स्कूल्स जो चल रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी की है, चाहे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, ब्लाइंड की बात करें, हियरिंग इंपेयर्ड की बात करें, तो तीन ही डिसेबिलिटी के स्कूल ज्यादा चलते हैं। उसमें भी हम देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर अभी विगत 5 सालों से हम उत्तराखंड में हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा ब्लाइंड स्कूल उत्तराखंड का नहीं आया जिसको हमसे हेल्प की जरूरत पड़े, चाहे वो एचआरडी की ट्रेनिंग से संबंधित है, यहाँ का एससीआरटी है, एससीआरटी के जो ट्रेनिंग डाइट्स हैं इनके, वहां पर जो एचआरडी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, चाहे ट्रेनिंग की बात करें या फिर जो टीचर ऑलरेडी वर्किंग है उनकी ट्रेनिंग की बात है, तो हमारे साथ एक पॉजिटिव कोलैबोरेटिव जो अप्रोच होनी चाहिए थी वो अभी तक उस प्रकार से नहीं आई जिस प्रकार से आनी चाहिए थी। या पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर स्पेशल स्कूल खोलना भी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के मुताबिक, तो वो कौन सी क्लास तक का खुले, उसके जो गाइडलाइंस है अभी रिसेंटली एनआईबीएच के द्वारा गाइडलाइंस बनाए गए हैं ब्लाइंड स्कूल ओपन करने के लिए, जिसमें ब्रॉड स्टडी की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन को और पॉलिसीज को, कि कम से कम आप हम उत्तराखंड स्टेट में तो इंप्लीमेंट कर पाए और स्कूल ओपन करने में मदद कर पाए। तो जब तक ये चीजें नहीं होगी कि वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो स्कूल चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, शुरुआत करें, आखिर स्कूलिंग किसका विषय है। अगर बड़े लेवल पर हम बात करते हैं तो स्कूलिंग तो इश्यू स्टेट का है, इसमें तो नेशन को कोई नहीं लेना देना है, इसी तो स्टेट इश्यूज है, लेकिन स्टेट में किसका इश्यू है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वेलफेयर डिपार्टमेंट का, लेकिन डिसेबिलिटी में कंफ्लिक्ट आया हुआ है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट एजुकेशन देखता है पीडब्ल्यूडी की या फिर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसमें कंफ्यूजन को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर थोड़ा सा बीइंग अथॉरिटी समझने का प्रयास किए, उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो 2011 की सेंसेस है वो हमारी क्या कहती है कि 21.8 मिलियन पीडब्ल्यूडी इंडिया के अंदर है और उनका जो एजुकेटेड रेशियो है वो 55 है, जबकि हमारा नेशनल जो एजुकेशन रेट है वो 74 है। पहले तो हमने उनको 55 से लेकर 74 पे लाने का टारगेट करना है, इट मींस कि हमने सबको इनरोल करना पड़ेगा, पहला तो हमारा यही टारगेट है। और उसमें भी स्कूल की जिम्मेवारी ये निश्चित हो गई है कि प्रत्येक बच्चा लर्न करे इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत नियर बाय स्कूल में, प्रत्येक बच्चे को एप्रोप्रिएट जर्नल क्लास में अटेंड करे, इसकी जिम्मेवारी भी स्कूल की है,
प्रत्येक बच्चे के लिए एक आईपी बने, इसके लिए जो रेगुलर स्कूल है उसकी जिम्मेवारी है, प्रत्येक बच्चे को रेलिवेंट करिकुलम मिले और उसकी नीड्स फुलफिल हो, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर स्कूल की जिम्मेवारी है, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक कोकुलर एक्टिविटीज में शामिल हो और एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में शामिल हो, ये भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रत्येक बच्चे को कोऑपरेशन मिले, कोलैबोरेशन मिले उनके फ्रेंड्स का, फैमिली का, होम का, क्लासरूम का, कम्युनिटी का, ये भी हमारी अपनी जिम्मेवारी है, प्रत्येक बच्चे को बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मिले स्कूल के अंदर जैसे डिसेबल्ड को मिलना चाहिए, ये भी स्टेट की जिम्मेवारी है, प्रत्येक बच्चे के छुपी हुई जो भी हिडन कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, उनका विकास कराया जाए टीचरों के द्वारा, ये भी स्कूल की जिम्मेवारी है। तो इट मींस क्या हुआ कि हम केवल इसको वेलफेयर तक नहीं छोड़ सकते, जैसे एक जनरल बच्चा स्कूल में जाकर अपना सर्वांगीण विकास कर रहा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है, इसी तरह से एक डिसेबल्ड बच्चा नियर बाय स्कूल में जाकर अपना सर्वांगीण विकास करे। लेकिन अगर आप स्टडी देखेंगे, रिसर्च स्टडी इंडिया की, तो मोस्ट ऑफ ब्लाइंड स्कूल्स आर रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो वहां पर हम देखते हैं कि गार्जियन पेरेंट्स एक बार आते हैं और छोड़कर बच्चे को चले जाते हैं, 6 मंथ बच्चे से उसके सिस्टर, ब्रदर, फैमिली, कम्युनिटी, नियर बाय लोग मिलते नहीं, बच्चा विभिन्न प्रकार के लोकल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, बच्चा अपनी कम्युनिटी से बिल्कुल छूट जाता है और वहां पर इंटरेक्शन पुअर होता है। इट मींस क्या हुआ कि जो उसकी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज है, सोशलाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। कहीं ना कहीं जैसे नवोदय विद्यालय विकसित हुए हैं या अन स्पोर्ट्स स्कूल विकसित हुए हैं, तो हम ऐसे तो विकसित कर सकते हैं कुछ मॉडल बेस्ड प्रैक्टिस ब्लाइंड्स के लिए, लेकिन हर बच्चे को केवल पेरेंट्स एक बार छोड़कर जाए फिर 6 मंथ न मिले, तो मुझे लगता है कि जैसे नॉर्मल बच्चे का विकास होता है ऐसे डिसेबल्ड का विकास नहीं होगा। सेम हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करें तो कोई भी स्टेट ये मेंशन नहीं कर पा रहा है कि 75 वर्ष के बाद भी, अगर हम NIH की बात करें, कि हमने कोई इस प्रकार से कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाई हो जहां पर हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे साइन लैंग्वेज के अंदर अपनी एजुकेशन ले पाए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च वहां पर जा पाए, वहां पर बड़ी इश्यूज आ रहे हैं। इट मींस है कि हमने केवल और केवल कुछ डिसेबिलिटी के अंदर अपना डेवलपमेंट किया है, कुछ डिसेबिलिटी के अंदर हमारा डेवलपमेंटल प्लान अभी भी बहुत कम है, उस पर सोचने की जरूरत है। आखिर एजुकेशन विषय है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वेलफेयर डिपार्टमेंट का मुख्य काम है, फैसिलिटी देना एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, न कि स्कूल ओपन करना, ये समझने की जरूरत है और इसके ऊपर एक ब्रॉड डिस्कशन करने की जरूरत है। स्टेट जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है, ये उसका मुख्य गोल है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और वेलफेयर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इस मामले को रिजोल्व करवाए, क्योंकि जिस प्रकार से मिड डे मील फैसिलिटी दी जाती है MHRD के प्रोग्राम के तहत, तो अगर हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के स्कूल्स देखते हैं वहां पर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं होता, बहुत कम फैसिलिटी बच्चों को मिलती है, बजटिंग अलग से होती है, इट मीन्स है कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ये स्टेट को समझने की जरूरत है। अब एक रिलेशनशिप की बात आ जाती है कि आखिर इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज वो किस प्रकार से करें। एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 जो इसका चैप्टर है RPWD एक्ट का, वो टोटली एजुकेशन से संबंधित है, उसमें कुछ ना कुछ एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करने की बात की गई है। साथ में शेड्यूल जो इसमें दिया गया है कि एक हमें प्रोविजन दिया गया कि 21 डिसेबिलिटी को हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो ये जो हम जैसे लोग प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं ग्रास रूट पर, 3 साल से ज्यादा समय हो गया है इस एक्ट को आए हुए, क्या हमें लगा कि कोई डिसेबिलिटी और ऐड करनी चाहिए इसमें, क्या हमें लगा कि कोई डिसेबिलिटी कम करनी चाहिए, या हमें लगा कि सर्टिफिकेशन के लिए क्या प्रॉपर प्रोविजन हो गए हैं, क्या फिर स्टेट में ऐसा कुछ प्रोविजन किया जा रहा है कि जिससे इजिली बच्चे का घर बैठे हम सर्टिफिकेशन कर पाए, वहां पर हमारी टीम पहुंचे। अगर आप अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऑफ देखेंगे, इसमें काफी महत्वपूर्ण मॉडल है उनका, कि हमने कोई भी सर्टिफिकेट अगर स्टेट गवर्नमेंट से बनवाना होता है तो आपको रजिस्टर करना होता है, टीम आपके घर पे पहुंच जाती है, आपका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है, आपके पूरे के पूरे कागज और एड्रेस को चेक किया जाता है, लेटर ऑन आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्या प्रत्येक स्टेट ऐसा कुछ कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है तो हमें उस मॉडल को समझने की जरूरत है और उस मॉडल पे स्टडी करने के इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ये मुख्य रूप से जरूरी है अगर हम उनको वेलफेयर करना चाहते हैं।
एजुकेशन को इंश्योर कैसे करेंगे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर प्रत्येक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले, सुटेबल एनवायरनमेंट मिले, जो उसकी डाइवर्सिटी नीड्स है वो फुलफिल हो। ये भी स्टेट की जिम्मेवारी है कि प्रत्येक विद्यालय में, अगर सीबीएसई की गाइडलाइन हम देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर कट सीबीएसई ने कहा है कि प्रत्येक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट प्राइमरी लेवल पर, एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट सेकेंडरी लेवल पर, वो नहीं जरूरी है, और एक साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट जिसको हम काउंसलर भी बोलते हैं वो सुनिश्चित है। लेकिन अगर ये पोस्टें नहीं होती है तो हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि इन पोस्टों के लिए अपने स्टेट बोर्ड की डायरेक्शन और डिपार्टमेंट में कोई बिल लेकर आए और स्पेशल प्रोविजन करें। उनकी आरआर बनी हुई है ऑलरेडी सीबीएसई के द्वारा, रिहैबिलिटेशन काउंसिल के द्वारा, कि उनके अपने स्टेट में लागू कराएं ताकि किसी भी मोड में करवाएं। प्रत्येक स्कूल में अगर ये व्यक्ति आ जाते हैं तो ये स्पेशली इस एक्ट के ऊपर काम करते हुए जो भी डिसेबल्स हैं उनके एम्पावरमेंट की बात करेंगे। साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत था, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत था, और अभी हमने उसको समग्र शिक्षा बना दिया, तो उसमें एक कोलैबोरेटिव जैसे एम्फेसिस किया गया है कि कुछ स्पेशल टीचर्स वहां पर रखे गए हैं, उनके काम को अब जरूरी है कि समझने की जरूरत है कि उनके वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसको उसका एक सिटीजन चार्टर बने, और वो सिटीजन चार्टर ऐसे ही नहीं कोई एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठकर टीम बना दे, उस टीम को बनाने के लिए एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी कि हम उनको न केवल प्रमोट करें ऐसे व्यक्तियों को जो विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपितु उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव टेक्निक्स बताएं कि आपको कौन कौन सी स्टेट की अथॉरिटीज आपको कोलैबोरेटिव वर्क करेगी और आपकी हेल्प करेगी ताकि उनका मनोबल बढ़े, और वो मनोबल के साथ साथ एक डिसेबल्ड बच्चे के काम करने का एक सोसाइटी जो एक्सेप्टेंस है वो उनको मिल पाए। ये भी एक जरूरत है कि हम एटीट्यूड मॉडिफिकेशंस के लिए काम करें। तो ये कुछ स्टेट की जो अथॉरिटीज थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हमने बात की। लास्ट में कंक्लूजन के रूप में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि RPWD एक्ट आने के बाद एक नई आशाएं हमारे देश में सभी दिव्यांगजनों को मिली है कि शायद उनके लिए एजुकेशन में, रोजगार में और समाज की जो मुख्य धारा है उसमें आने का एक बेहतरीन उनको मौका मिलेगा। तो हम सब प्रोफेशनल्स की ये जिम्मेवारी है तो इसके लिए हम पूरा प्रयास करें और समझने की कोशिश करें, और जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट डिसेबिलिटी के अंदर काम कर रहे हैं या फिर अलग प्रकार से यूनिवर्सिटीज डिसेबिलिटी के अंदर काम कर रही हैं, विभिन्न सारे डिपार्टमेंट डिसेबिलिटी के अंदर काम कर रहे हैं, बीइंग ए प्रोफेशनल हमें उनके साथ जुड़ने की जरूरत है और अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस युग में अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं बिना जुड़कर, जैसे वेबिनार के थ्रू आज हम घर बैठे एक दूसरे के विचार सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हमें आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण इन दिव्यांगजनों को कार्य करने का के लिए अवसर मिलेगा। ये इस प्लेटफॉर्म पर हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आज के कोऑर्डिनेटर श्री सुनील कुमार सर फुरकर जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने सर यहाँ अपने विचार साझा करने के लिए हमें मंच दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर डॉक्टर जसमेर सर, बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने हमें समझाने का प्रयास किया कि हमारी सबकी जिम्मेदारी क्या है। खाली हर एक बात हम सरकार के ऊपर डाल दें कि सरकार की जिम्मेदारी और सरकार ही सब कुछ करे तो शायद सब काम नहीं हो पाएगा। कुछ जिम्मेदारी शायद हम सबकी है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। और जहाँ तक हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम सब शिक्षा से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो ये हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, बनती है कि हम दिव्यांगों को उनके अधिकारों से परिचय करवाएं और दिव्यांगों के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा और स्टेट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उन तक हम ये पहुंचाएं। निश्चित रूप से सर जैसे आपने बताया कि बहुत से दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको हम अभी तक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सरकार ने उनके लिए ढेर सारी सुविधाएं ऑलरेडी दे रखी है। तो आप हम सबकी एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ज्वाइंट जिम्मेदारी है कि हम इन सबको बेहतर तरीके से निभाएं। और एक एक जैसे बात की डॉक्टर जसमेर से, चैरिटी की बात नहीं है, ये बात है राइट्स की। ये दिव्यांगों जैसे एक आम आदमी को, एक भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं वैसे ही अधिकार दिव्यांगों को भी दिए गए हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि वो अधिकार क्या क्या है
और किस किस प्रकार से उन अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उनको स्प्रेड आउट करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को रखा कि क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर पंकज को जो रिसोर्स पर्सन है, मैं उन्हीं को धन्यवाद करता हूं कि उनको ही बोलता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन कर सर। मैं इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूं और मैं इस कार्यक्रम आज के कार्यक्रम में जो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है इसके लिए मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूँ माननीय निदेशक महोदय का, जिन्होंने एक अच्छी सोच रखी कि किस प्रकार से हम जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके साथ मिलजुल कर कार्य करें और किस प्रकार से हम अपने रोल एक निभा सकते हैं और निरंतर हम जुड़े रहेंगे सबके साथ ताकि हम और भी अपने इस प्रोग्राम को रिवाइव कर सकते हैं और अच्छा कर सकें। तो आज मैं निदेशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया और हम सब लोगों को मौका दिया है। सुनील सर को जो इस आज कार्यक्रम के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, आज उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आयोजन किया, संपर्क किया। एक चैलेंजिंग काम होता है जब आप किसी एक बड़े समूह के साथ कार्य कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक आपके पास ग्रुप होता है, फिर भी आपने इस दायित्व का बहुत ही अच्छे से निर्वहन किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के करी में तीनों रिसोर्स जो मुख्य रिसोर्स पर्सन रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। आलोका गुहा मैम हमारे बीच जुड़ी हैं जो फाउंडर चेयरपर्सन रही हैं नेशनल ट्रस्ट जो भारत सरकार की संस्था है और एक लीगल बॉडी है, एक एक्ट के तहत बनी हुई बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है, तो वो हमारे बीच जुड़ी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जसमेर डॉक्टर जसमेर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े रहे, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, वो उन्होंने बहुत ही व्यापक ढंग से चीजों को रखा हमारे सभी के बीच में। सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज सर का, डॉक्टर पंकज सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से बहुत समय निकाला हमारे लिए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सबसे प्रमुख और अंत में जो इस कार्यक्रम को एक सुचारू रूप से चला पाए, राज्य सरकार की जो टीम है उनके स्टेट कोऑर्डिनेटर अंजुमा फातिमा मैम है, फातिमा मैम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं देखा था कई अधिकारीगण भी वहां से जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं, उनका एक फीडबैक और उनसे संपर्क लगातार इस संबंध में जारी रहेगा। सभी को अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पंकज साहब आपका। और मैं स्टेट बॉडी से जुड़े हुए मेजर योगेंद्र यादव साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आकाश सरस्वत जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमसे जुड़े, और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा अंजुमा फातिमा मैडम का कि उन्होंने काफी हमको सहयोग प्रदान किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वेबिनार की जो सीरीज है, इस सप्ताह में हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, अगले सप्ताह फिर हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इस वेबिनार में आए और हमसे जुड़े, ताकि एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े, मिलते हैं अगले सप्ताह, धन्यवाद।